नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ में। दोस्तों, राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब या सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना न भूलें। जी हां दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एनम जीएनएम भर्ती 2018 के बारे में। जो अभ्यर्थी हैं 3674, इसके अलावा जो कुछ कैंडिडेट्स हैं जिसमें पीपीपी मोड, डाइवोर्स, पीएच और विडो कैटेगरी, इनकी भी यहां पर बात करेंगे। यहां पर माननीय जज साहब ने एक आदेश, महत्वपूर्ण आदेश दिया है, उसके बारे में पूरा डिस्कशन करेंगे दोस्तों, नंबर एक से लेकर लास्ट तक। तो दोस्तों, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन आप पूरा देखिएगा, आपको बिल्कुल आसान भाषा में यहाँ पे समझाया गया है, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। यह दोस्तों पीपीपी मोड, डाइवोर्स, पीएच और विडो कैटेगरी को में पद रिक्त रखते हुए पोस्टिंग देने के यहाँ पे निर्देश दिए गए हैं। क्या है पूरी अपडेट, आइए जानते हैं इस वीडियो में। जैसे ही दोस्तों आप इस वीडियो में देख सकते हैं, एक महत्वपूर्ण जो केस है राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर बेंच में लिस्ट हुआ था, निधि प्रजापत का। यहाँ दोस्तों यशपाल जी खिलेरी, इनके एडवोकेट है, पेटिशन के और रिस्पोंडेंट के जो एडवोकेट हैं वो के एस राजपूत हैं। यहाँ पे 4 जून को इसकी सुनवाई हुई है दिल्ली कोर्ट नंबर 7 में। यहाँ दोस्तों, और यहाँ पर माननीय जज साहब ने क्या आदेश दिया है महत्वपूर्ण, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। दोस्तों ये आदेश मैं बता दूं 6 सुनवाई के बाद में मिला है। फर्स्ट इसकी जो सुनवाई थी वो 15 मई, 18 मई, 19 मई, 26 मई, 2 जून और 4 जून को हो चुकी है। यहाँ दोस्तों यहाँ पर महत्वपूर्ण आदेश दिया है, डिस्कशन आइए कर लेते हैं यहाँ पर। यहाँ दोस्तों जैसा ही देख सकते हैं, यहाँ पर निधि प्रजापत बनाम राजस्थान सरकार थ्रू स्टेट ऑफ राजस्थान थ्रू इट्स एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज सेक्रेटरेट जयपुर, एडिशनल डायरेक्टर एडमिन मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज हेल्थ भवन जयपुर और चीफ मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर अपोजिट सेंट्रल जेल जोधपुर, इनको यहाँ पर पार्टी बनाया गया है। इसके अलावा मैं बता दूं, जो पेटिशनर के जो एडवोकेट हैं वो यशपाल जी खिलेरी हैं, थ्रू इन्होंने जस्सी मीट के माध्यम से यहाँ पर पैरवी की, और सरकार की तरफ से के एस राजपूत हैं जो डब्ल्यूजी है, उन्होंने भी जस्सी मीट के थ्रू यहाँ पर जो है पैरवी की है केस की। जस्टिस दिनेश मेहता हैं, उन्होंने यहाँ पर 4 जून को आदेश दिया है। क्या आदेश दिया है आइए जानते हैं दोस्तों। द पेटिशनर हैज प्रिफर्ड द प्रेजेंट रिट पेटिशन इंट्रालिया राइजिंग ए ग्रीवेंस दैट द पेटिशनर जो है ओबीसी वर्ग की विडो कैटेगरी का है, यानी कि जो कैंडिडेट है उसने यहाँ पर रिट पेटिशन के माध्यम से अपनी पीड़ा व्यक्त की है कि वह ओबीसी विधवा कैटेगरी का है और उसके पास 52.294 मार्क्स हैं एंड स्टैंड एट सीरियल नंबर जो है मेरिट में 49.09908 पर है, उसका नाम है मेरिट लिस्ट में। या दोस्तों जो मेरिट लिस्ट निकली है जीएनएम भर्ती का, ये केस है मैं बता दूं, जो कैंडिडेट है वो ओबीसी विडो कैटेगरी का है और उसके 52.294% बने हैं, और जो मेरिट का है फाइनल जो मेरिट है उस पर 49.08 नंबर पे उसका नाम है। Yet she has not been given appointment और उसे यहाँ पर नियुक्ति नहीं दी गई है। It is ascertained by Mr. Khilleri that the respondent number 2 has issued an order dated 28/4/2020 and given appointment to 4856 candidates out of total 6035 candidates। यानी कि जो पेटिशनर के जो एडवोकेट हैं यशपाल जी खिलेरी, इन्होंने रिस्पोंडेंट नंबर 2, मैं बता दूं कौन सा रिस्पोंडेंट नंबर 2 है, आप देख सकते हैं यहाँ पर एडिशनल डायरेक्टर एडमिन जो है, यानी कि जो अतिरिक्त निदेशक हैं प्रशासन के, उनको यहाँ पर उन्होंने एक आदेश जारी करते हुए 28 अप्रैल 2020 को 4856 कैंडिडेट्स को यहाँ पर पोस्टिंग दी है 6035 कैंडिडेट्स में से। While not giving appointment to remaining candidate and under the grip of spread of pandemic COVID-19 और बाकी कैंडिडेट्स को यहाँ पर नियुक्ति नहीं दी गई है, यानी कि जो जीएनएम भर्ती का जो मामला है उसमें जो कैंडिडेट है वो ओबीसी विधवा कैटेगरी का है और उसके 52.294% बने हुए हैं, उसका जो फाइनल लिस्ट है मेरिट लिस्ट है उसमें 4908 पे नाम है। यहाँ पर जो अतिरिक्त निदेशक हैं प्रशासन के चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग ने 28 अप्रैल 2020 के माध्यम से एक आदेश जारी किया और यहाँ पर 4856 अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग दी गई, जहाँ दोस्तों 6035 में से, और जो कैंडिडेट्स हैं बाकी कैंडिडेट्स को यहाँ पर ज्वाइनिंग नहीं दी गई।
मैं बता दूं मिस्टर केएस राज पुरोहित है, लर्न AAG हैं जो सरकार की तरफ से अपीयरिंग फॉर रेस्पोंडेंट, सरकार की तरफ से वो अपीयर हुए, सबमिटेड दैट ट्रू इट इज, यानी कि ये सत्य है कि 4800 यहाँ पर जो 4856 कैंडिडेट्स को ही पोस्टिंग मिली है। That appointment has have been issued to shame some of candidate, but other remaining selected candidate have not been denied appointment. यानी कि जो कुछ कैंडिडेट्स हैं उनको अपॉइंटमेंट नहीं दिया गया, लेकिन सरकार ने अपॉइंटमेंट देने से मना भी यहाँ पर नहीं किया गया है। He apprised that in view of the government order dated 28 April 2020 appointment to person working on PPP mode, OBC NCL category, widow category, divorce, PH category candidate have not been given as certain verification are pending. यानी कि जो कुछ कैंडिडेट्स हैं जिसमें पीपीपी मोड वाले, ओबीसी एनसीएल यानी कि ओबीसी नॉन क्रिमिनलियर कैटेगरी के, विडो कैटेगरी के, डाइवोर्स कैटेगरी के और पीएच कैंडिडेट्स को यहां पर इस वजह से पोस्टिंग नहीं दी गई क्योंकि इनके कुछ यहां पर वेरिफिकेशन है जो पेंडिंग थे। इसके अलावा यहां पे ही फर्दर सबमिट दैट अपॉइंटमेंट्स इन पेटिशनर कैटेगरी विडो have not been accorded appointment in wake of pendency of civil writ petitions number 1418। जी दोस्तों, यहाँ पर जो केएस राजपुरोहित है उन्होंने कहा है कि जो कुछ कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं जैसे कि ओबीसी एनसीएल पीपीपी मोड, इसके अलावा विडो, डाइवोर्स और पीएच कैटेगरी को यहाँ पर कुछ वेरिफिकेशन बकाया होने की वजह से यहाँ पर ज्वाइनिंग नहीं दी गई। उन्होंने ये भी बताया है केएस राजपुरोहित जी ने कि जो पेटिशनर है वो विडो कैटेगरी में है और इनको यहाँ पर एक जयपुर बेंच में सिविल रिट पेटिशन संख्या 1418 जो है पेंडिंग है, उसकी वजह से यहाँ पर अपॉइंटमेंट नहीं दी गई। वेयर एज ए क्वेश्चन एज टू वेदर ए कैंडिडेट हैविंग अप्लाइड अंडर विडो कैटेगरी हु लेटर ऑन कॉन्ट्रैक्ट मैरिज बिफोर इश्यूएंस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑर्डर, यानी कि जो जयपुर बेंच में 1418 जो कुशलेश 2020 जो सिविल रिट पिटिशन है वो इस को लेकर है कि एक विडो कैंडिडेट है जिसने यहाँ पर फॉर्म अप्लाई किया और बाद में उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज यहाँ पर कर ली, इसको लेकर है और उन्होंने यहाँ पर अपॉइंटमेंट इश्यू होने से पहले यहाँ पर मैरिज कर ली, वुड बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज विडो कैटेगरी कैंडिडेट और नॉट इज पेंडिंग कंसिडरेशन, यानी कि यहाँ पर जो जयपुर बेंच में है ये तय होना बाकी है कि एक कैंडिडेट जो विडो है उसने फॉर्म अप्लाई किया है और अपॉइंटमेंट से पहले उसने यहाँ पर मैरिज कर ली कि तो उसे क्या विडो कैटेगरी में ज्वाइनिंग देना उचित है, तो ये यहाँ पर तय करना यहाँ पर जयपुर बेंच में बकाया है। इट इज ऑल्सो सबमिटेड दैट अदर सच पिटिशन आर ऑल्सो पेंडिंग एट जयपुर बेंच ऑफ दिस कोर्ट एंड हेंस अनलेस सच इश्यू इज डिसाइडेड इट वुड नॉट बी अप्रोप्रिएट अकॉर्डिंग अपॉइंटमेंट इन विडो कैटेगरी, यानी कि यह तय होना बाकी है यहाँ पर जयपुर बेंच में कि जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने विडो कैटेगरी में आवेदन किया है और उसके बाद अपॉइंटमेंट से पहले उसकी मैरिज होगी तो उसे क्या विडो कैटेगरी में ज्वाइनिंग देना उचित रहेगा। इन दिस व्यू ऑफ दिस मैटर द प्रेजेंट रिट पिटिशन इज डिस्पोज ऑफ विद अ डायरेक्शन टू द रिस्पोंडेंट स्टेट टू इश्यू अपॉइंटमेंट ऑर्डर टू रिमेनिंग कैंडिडेट इंक्लूडिंग फ्रॉम विडो कैटेगरी सब्जेक्ट हाउएवर टू फुलफिलिंग अदर रिक्विजिट क्राइटेरिया एज अर्ली एज पॉसिबल, यानी कि जो सभी कैंडिडेट्स हैं उनको ज्वाइनिंग दी जाए चाहे वो विडो कैटेगरी के ही क्यों ना हो 31 अक्टूबर से पहले पहले, यानी कि यहाँ पर एक जो निर्देश हैं वो सरकार को जारी किए गए हैं जो जस्टिस महोदय हैं दिनेश जी मेहता ने, उन्होंने कहा कि सभी अभ्यर्थियों को यहाँ पर ज्वाइनिंग दी जाए 31 अक्टूबर से पहले पहले। द स्टेट विल बी फ्री टू कीप सच नंबर ऑफ पोस्ट वैकेंट इक्वल टू नंबर ऑफ द पेटिशनर इन्वॉल्व इन सिविल रिट पिटिशन संख्या 1418/2020 एंड और अदर लाइक मैटर हु हैव कॉन्ट्रैक्ट मैरिज आफ्टर सबमिटिंग एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि सरकार है वो फ्री है इतनी पोस्ट खाली रखने के लिए ताकि जो कैंडिडेट्स हैं सिविल रिट पिटिशन संख्या 1418 में और इसके जैसे ही कुछ अन्य जो मैटर हैं उनके लिए जो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज वाले हैं कि उन्होंने विडो कैटेगरी में आवेदन किया लेकिन बाद में उन्होंने अपॉइंटमेंट से पहले यहाँ पर मैरिज कर ली, तो इसके लिए यहाँ पर सरकार फ्री है उनके लिए यहाँ पर पोस्ट रखने के लिए, खाली पोस्ट है रखने के लिए,
जो जितने कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यहाँ पर खाली पोस्ट है, रख सकती है, लेकिन बाकी को यहाँ पर ज्वाइनिंग दी जाए 31 अक्टूबर से पहले पहले, ये माननीय न्यायालय का आदेश है। इसके अलावा यहाँ पर यह भी कहा है, नीडलेस टू ऑब्जर्व दैट द प्रेजेंट ऑर्डर या डायरेक्शन इज अ जनरल ऑर्डर टू इश्यू अपॉइंटमेंट ऑर्डर टू मेरिटियस कैंडिडेट, यानी कि ये एक ऑर्डर है कि जो मेरिट में कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर ज्वाइनिंग दी जाए। इट विल नॉट हैव एनी बियरिंग ऑन द मेरिट ऑफ सिविल रिट पिटीशन संख्या 14/18/2020 एंड अदर मैटर ऑफ लाइक नेचर, यहाँ जो स्टे था वो डिस्पोज कर दिया है। साथ ही जो सभी कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं, चाहे वो पीपीपी मोड के हों, चाहे पीएच कैटेगरी के हो, चाहे ओबीसी एनसीएल के हो, इसके अलावा मैं बता दूं यहाँ पे जो पीपीपी मोड वाले कैंडिडेट हो, ओबीसी एनसीएल कैटेगरी के हो, विडो के हो, डाइवोर्स के हो, पीएच कैटेगरी के हो, सभी अभ्यर्थियों को 31 अक्टूबर से पहले पहले यहाँ पर ज्वाइनिंग का निर्देश यहाँ पर माननीय जस्टिस महोदय दिनेश जी मेहता ने दिए हैं। साथ ही यह भी कहा है कि जो ऐसे मैटर हैं जो सिविल रिट पिटीशन संख्या 14/18 में उल्लेखित हैं या उसके जैसे किसी अन्य मैटर में उल्लेखित हैं और जिन्होंने विडो कैटेगरी में आवेदन किया है और बाद में इन्होंने मैरिज कर ली है अपॉइंटमेंट से पहले, उनको छोड़कर बाकी को यहां पर 31 अक्टूबर से पहले पहले ज्वाइनिंग दी जाए। जय दोस्तों, बड़ी अपडेट आपकी अपनी यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ पर निकल के आ रही है। तो इस प्रकार दोस्तों आपने देखा है यहाँ पर जो जस्टिस महोदय हैं दिनेश जी मेहता, उन्होंने एक महत्वपूर्ण आदेश दिया है जिसमें कहा है कि जो ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने विडो कैटेगरी में आवेदन किया है और अपॉइंटमेंट से पहले उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर ली है, उससे जो है अभ्यर्थी हैं उनके लिए पद रिजर्व रखते हुए या अदर जो ऐसे मैटर हैं उनके लिए पद रिजर्व रखने के लिए सरकार फ्री है। इसके अलावा बाकी सभी जो है कैटेगरी, चाहे वो पीपीपी मोड हो, डाइवोर्स हो, पीएच कैटेगरी के कैंडिडेट हो या विडो कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं, उन सभी को 31 अक्टूबर से पहले पहले यहाँ पर ज्वाइनिंग दी जाए। यहाँ दोस्तों वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना नहीं भूलें। आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ।